ये देख लो जी, इस तरीके से खोड़ा है, ठीक है। मोटा ही बहुत बढ़िया बन गया। और ये जो है भाई, इतनी जल्दी बंधाई क्यों करवा दी? बाजरा गिरन लग जाता, एक खेत गिर गया था आज पर। अच्छा हाँ जी, फिर इनकी ऐसे दो बंद है। अच्छा, ये ऐसे मिला देगा? हाँ, जो मिला देते नहीं, अब तो छोटा है। हाँ जी, मुड़ जाता। हाँ, तो मतलब सिंगल लाइन बनवा दी। हाँ जी यार, फिर दूसरे जुड़ने पे डबल। अच्छा, फिर ऐसा हो जाएगा। ये देखो भाई, ये देख लो जी, सिंगल लाइन बनवा दी और एक बार बंधाई करवा दी। कितने दिन से करवाई? अभी करवाई, परसों करवाई। और लास्ट स्प्रे कब करी? लास्ट स्प्रे जी परसों ही करी, बनवाने के बाद। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज शामली के ताणा गांव में है, गोलू भाई के खेत पे हैं भाइयों, और इन्होंने वैरायटी लगा रखी 0118। तो इनका खेत दिखाऊंगा भाइयों, ये कौन सी विधि से बुआई कर रखी और इनको बीज कैसा नज़र आ रहा है, ये 0118, इस बीज के बारे में भी जानेंगे और इनका खेत दिखाऊंगा भाइयों। ये देख लो जी, ये खेत दिखा रहा मैं पहले आपको, बाहर खड़े भाइयों। ये देखो, वहाँ तक एक बंधाई करवा दी इन्होंने इसकी, और ये देख लो जी, ये कब की बुआई है और किस तरीके से बो रखा है और खाद दवाई किस हिसाब से डालते हैं, सारी कुछ जानकारी लेंगे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना परिचय करा दो एक बार। गोलू जी, गांव ताना, जिला मुजफ्फरपुर जी, तहसील ऊन जी। बहुत बढ़िया जी, वो मुजफ्फरनगर याद रहो जा, क्योंकि अभी जिले अलग अलग हुए ना। हाँ हाँ, तो भाई ये कब की बुआई है? ये जी 31 मार्च। ये 31 मार्च का? हाँ जी, हाँ जी। और विधि कौन सी है? ये ट्रेंच की जी, 48 इंच। अच्छा, और ये जो धोरे फूड है ये बंधवा रखे आपने? हाँ जी, ये कुछ नेढ़े नजर आ रहे? ये जी छूट जा जो बीच में। अच्छा, फावड़े तक करवा के जी। अच्छा जी, मतलब साइड में जगह रहेगी थी? हाँ जी, जगह रहेगी। तो ये खूट दो नेढ़े हैं कुछ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और ये दूरी क्या है ट्रंच की? 48 इंची। ये 48 इंची, तो इसमें जी पर ये 50 पे लगाना चाहिए, या 50 या 55, इसमें थोड़ी मच्छी चढ़ाने में दिक्कत आएगी। 48 में? हाँ जी, पे छोटा ट्रैक्टर 48, उसमें 55 इंची में बढ़िया चढ़ा दे। अच्छा, तो 48 में आपको ट्रैक्टर की आसानी नहीं रही? नहीं जी, थोड़ी दिक्कत बनी, सही में नहीं चढ़ पाई। तो अब कौन से ट्रैक्टर चढ़ाई थी? बड़े था चढ़ाई थी जी, फिर जो उससे नहीं चढ़ी। अच्छा, छोटे ट्रैक्टर से। अच्छा, जो हम 55 पे 50 पर लगाओगे उससे छोटे ट्रैक्टर था चढ़ जाए। अच्छी चढ़ जाएगी। हाँ, तो भाई जैसा 25 मार्च की बुआई है आपकी, हाँ जी, इसमें क्या रोग की स्थिति है, कैसा बीज नजर आ रहा है? इसमें जी रोग सब कम है जी, सिर्फ फंगीसाइड और एक जी ये है इसमें रेड रोट, ये है बस फंगी। ये पीली पत्ती? हाँ, नहीं ये तो नेचर है इसका, रेड रोट नहीं है। नहीं नहीं, ये लाल लाल हो रही जो पत्ती। हाँ नहीं नहीं, ये रेड रोट नहीं है, ये जो है ना, ये जो पीलापन है नहीं पत्ती का, ये तो वही है जी। हाँ, ये तो नेचर है इसका, लाल हो रही जो लाल पत्ती है। हाँ, फंगीसाइड है। ये देखो भाइयों कितना बढ़िया गन्ना चल रहा, और 0118 वैरायटी है भाई वहाँ तक। और भाई मतलब बुआई पे इसके खाद दवाई की बात करें, क्या डाल करो बुआई में जी? हम वही DAP जी, और जी एक वो फंगीसाइड, वो कंचो पे गिर दिया जी, एक आवे जी पोलिश गड्ढा की, वो जरूर लगा हुआ जी हम बुआई में। वो क्या काम करे? वो जी फिप्रोलिन आवे उसमें, फिप्रोलिन है ना उसमें 40% इवामेक्टिन है, ये दोनों का बढ़िया रिजल्ट है जी, जमावड़े में जी कीड़ा सुंडी को रोक है जी, उसे रोक है, नंबर रिजल्ट है जी दवा का। अच्छा, गर्डा कंपनी का है जी पॉलिश, और मंदी है जी 5 बीघे की 700 रुपए की। और बुआई पे तो ये डाल दिया? हाँ जी। उसके बाद पहली खाद डाल लो, उसमें क्या डाल लो? पहली खाद में जी ओमिक एसिड आता है, ये कट्टा ले लो, ब्लैक गोल्ड कई नाम से आवे जी, इसमें जी हम दूसरे में ये लगाते है फर्टेरा, दूसरे खाद पे। हाँ जी, कोई सी कंपनी का बढ़िया फर्टेरा ले लो जी, नहीं आ रही बहुत कंपनी आ रही, भारत वालों का है राजी, बोल्ट कंपनी का रहा, बोल्ट होगा। चलो वो तो सब किसान की अपनी मर्जी, किसान अपनी मर्जी है जी। हाँ, और स्प्रे कितनी होगी इस पे? इस समय स्प्रे होगी जी 4। 4 स्प्रे कर दी? हाँ जी, 18 में ये एवरेज रोग, इसमें पोगा गोइन भी आता है। अच्छा, तो कुछ रोग की संभावना थी, कैसे ही कर दिया इस पे तो? नहीं जी, अब है जी इसमें तो, अब की बार कुछ ज्यादा आ रहा, ओमाइट बहुत आ रहा। अच्छा, माइट जो मकड़ी वो भीतर चले। नहीं इसमें तेरे खेत में तो यार नजर नहीं आ रहा, ओमाइट है। अच्छा, ओमाइट का असर है, ये देख लो भाइयों। तो आ जाए एक बार अंदर से भी दिखाऊंगे, और ये देख लो भाइयों, गन्ना बढ़िया होकर चल रहा, बहुत ही बढ़िया, ये बाहर के खूड नेड़े हैं और अंदर जो है ये देख लो जी, इस तरीके से खूड है, ठीक है। और ये जो है भाई, इतनी जल्दी बंधाई क्यों करवा दी? बाजरा गिरन लग जाता, एक खेत गिर गया था आज पर। अच्छा हाँ जी,
फिर इनकी ऐसे दो बंद है। अच्छा ये ऐसे मिला देगा। हाँ, जो मिला देते हाँ, नहीं अब तो छोटा है। हाँ, मुड़ जाता है। हाँ, तो मतलब सिंगल लाइन बनवा दी। हाँ, यार फिर दूसरे जुड़ने पे डबल। अच्छा फिर ऐसा हो जाएगा। हाँ, ये देखो भाई ये देख लो जी, सिंगल लाइन बनवा दी और एक बार बंधाई करवा दी। कितने दिन से करवाई? अभी करवाई परसों करवाई। और लास्ट स्प्रे कब करी? लास्ट स्प्रे जी परसों ही करी, बनवाने के बाद। स्प्रे में कौन सी दवाई रखो? स्प्रे में जी हमने एक तो लगाई जी, इसकी आई सीजेंटा कंपनी की आई जी। अच्छा, इसका नाम है जी ओ फ्योल के नाम से आई कोई नई दवा। चलो आज एक फंगीसाइड लगाई बस, ये दो दवाई। हाँ, तो बार बार यही लगाओ के ना पलट के लगाओ? नहीं जी पलटू जा जी, कई बार बीटा लगवा दे स्प्रे में, बहुत दवाई है। अच्छा पलट के क्या है जी वो इसको कंपनी की आवे जी वो लगवाई। तो इसका जमाव वगैरह तो ठीक आवे बीज का? हाँ जी जमाव बढ़िया है। इसे एक डबता काटना चाहिए जी, पोकले कम खुद है। अच्छा फिर ब्यांत बढ़िया है जी। तो ये पहली बार ही लगाया? हाँ जी, ये भी 18 अब कहीं लगाया। अच्छा तो भाई नया 18 है जी, पुराना नहीं है? हाँ हाँ, नहीं नहीं नया ही है। तो जो बैंगनी कलर ले ले। हाँ जी हाँ जी, वो है। तो भाई आ जा भाई एक बार, ये देखो जी खेत में खरपतवार भी नहीं है, भाई ने संभाल रखा, मेहनत कर रखी बहुत, और गन्ने की मोटाई बढ़िया होकर चल रही, मोटाई का नेचर भी है इसका गन्ने का। और ये इस तरीके से है, देखो सारे खूट दिखा दिए गन्ने आपको, ये इधर से ऐसे चल रहा भाई, बहुत ही बढ़िया गन्ना होकर चल रहा। थोड़ी पत्ती है अभी क्योंकि छोटा है, 25 मार्च की बुआई है भाई। ये देख लो जी गन्ने की क्वालिटी। आ जाओ भाई एक बार, लो जी एक बार गन्ना चेक करा दो। तो ये इस तरीके से मोटाई हो रही भाई। हाँ, तो सारा ऐसा ही हो रहा है। हाँ जी, तो और फूल लगेगी जी। हाँ खैर, अभी कैल्शियम लगेगा अभी तो, अभी तो समय है। और हाइट भी क्या हो रही होगी 25 मार्च के की? 7-8 फुट गन्ना। हाँ नहीं ज्यादा ही हो रहा ना ही, चलो खैर अंदाजा ही है। तो भाई ये देख लो मोटाई भी बढ़िया है, और ये बरसात हुई, थोड़ी थोड़ी बरसात हुआ है हमारे यहाँ, ये चल रही। और ये देखो जी, तो इसमें भाई खरपतवार की कोई स्प्रे कराई थी? हाँ जी हाँ जी है? हाँ जी, बंदने से पहले स्प्रे करवाई थी खरपतवार की। अच्छा, जब ही साफ समझ रहा जी, टंकी मिट्टी चढ़ाने के बाद? हाँ, कर दी थी। हाँ जी, वो किस चीज की स्प्रे है? वो जी एक वो आई कंपनी की, ये मक्खी पे होती है जो दवा। अच्छा हाँ जी, वो लगवाई थी आज, इसमें एक पाउच खाड़ वाला। अच्छा, ये मिक्स करा दी। हाँ जी। तो भाई ये देख लो स्प्रे करा रखी भाई ने खरपतवार के लिए, और ये बढ़िया गन्ना खड़ा है इसका गोलू भाई का। ये देख लो जी, वहाँ से बाहर आ गए, वहाँ से यहाँ तक खड़ा। तो भाई इस बीज को भी आगे बढ़ाऊंगा, कैसा लगा अभी? हाँ जी, अब का देखेंगे जिसका निकाल के ही रहा। नहीं खड़ा तो ठीक। हाँ जी, अग नहीं। हाँ जी, क्योंकि ग्रोथ बढ़िया चल रही गन्ने की, और बीमारी कोई नहीं है। तो आगे इसका इस साल रिजल्ट देखोगे? हाँ जी, रिजल्ट देख कर फिर लगाएंगे, फागन का फिर लगाऊंगे। तो भाइयों ये गोलू भाई का खेत दिखाया मैंने, 0118 वेरायटी है, और ट्रेंच विधि से लगा रखा है भाइयों, और बढ़िया खेत चल रहा फिलहाल। तो भाइयों ये थी गोलू भाई के खेत की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।